ये अजमत फातिमा जहरा है, ये मर्तबा फातिमा जहरा है। और क्या कहना शहजादी कौनैन की अजमत का, कि ये वो बीबी है कि जिसके अलकाबात व अस्माए मुबारका के लिए भी मासूम ने इरशाद फरमाया। एक नाम है जो रख दिया जाता है मासूमीन अलैहिस्सलाम की अस्माए मुबारका में, लेकिन ये खसूसियत खास मखसूस है शहजादी कौनैन के लिए कि बीबी की अजमत यह है कि उनके नाम भी रखे हैं तो अल्लाह के आलम ने नाम रखे हैं, और एक नहीं नौ नाम खुद अल्लाह के आलम ने शहजादी कौनैन के रखे हैं। नौ अस्माए मुबारका किसने रखे? खुदावंद करीम ने। और यह हदीस किसकी है? मेरे और आपके छठे इमाम हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम। इरशाद फरमाते हैं हमारी जद्दा माजिदा के नौ नाम खुदावंद करीम ने रखे हैं, नौ नाम खुदा ने रखे हैं। एक नाम है फातिमा, है बुतूल, आजरा, मुबारका, राजिया, मर्जिया, मुहद्दसा और जहरा। ये नाम खुदावंद करीम की तरफ से रखे गए हैं। और इसमें एक पहला नाम जिसकी अपनी अजमत उस मकाम पर है कि जो मुकम्मल तौर पर शहजादी के किरदार और मकाम का अहाता तकरीबन, वरना कोई कर नहीं सकता, इसमें ताकत नहीं है कि शहजादी क्या कर, लेकिन एक कुछ ही हद तक जो करता है वो नाम क्या है, वो इसमें मुबारक है फातिमा। फातिमा किससे है? फातिमा मुश्ताक है फातिर से, फातिर खुदा का नाम है, खुदा के नाम रखा फातिमा। तो आप दुआ में भी मांगते हैं ना फातिर, फातिमा तो जरा तो दुआ की मंजिल पर, तो फातिर खुदा का नाम, और खुदा ने रखा फातिमा नाम। और फातिमा की सबसे पहली तौजी आइम्मा ने यही बताई कि यह एहसान है खुदावंद करीम का कि खुदावंद करीम ने इसमें फातिमा इसलिए रखा कि फातिमा वो है कि जिनके चाहने वाले मानने वाले आतिशे जहन्नुम से महफूज रहेंगे। वो बीबी जो आतिश जहन्नुम से महफूज रहने का पैगाम है, उसकी पहली सिफत फातिमा है। और ये फातिमा किस तरीके से एहतमाम खुदा की तरफ से किया गया? हजरत इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम के खुदा की तरफ से यह खास इंतजाम था, जिस तरीके से आपके वजूद अथर का भी मखसूस इंतजाम है जो न इससे पहले देखा गया न इसके बाद, इस अंदाज से कोई पैदा हुआ है, ये शहजादी का खास इंतजाम था। इसी तरीके से इसमें मुबारक के लिए भी खुदा ने खास इंतजाम फरमाया। खुदावंद करीम ने एक फरिश्ते को मुकर्रर किया कि जाओ मेरे हबीब की जबान अकदस पर इस नाम को जारी कर दो। फरिश्ता हुक्म खुदा से आया और पैगंबर ने विलादत से पहले से इस नाम का विर्द करते रहे। जब पैदा तशरीफ लाई है उस दुनिया में तो नाम फातिमा रखा गया है, नाम फातिमा रखा गया। फातिमा कौन? जो आतिशे जहन्नुम से महफूज कराने वाली, उसको फातिमा। दूसरे मकाम पर हजरत इमाम अली इब्ने मूसी रज़ा अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि फातिमा इसलिए बीवी का नाम है हमारी जद्दा का कि खुदावंद करीम जिससे हर तरीके की बुराई को इस तरीके से दूर कर दे, इस तरीके से खुदा पाक को साफ कर दे कि उसे हक शफात खुदावंद करीम अता कर दे, इस कदर पाक साफ हो कि दूसरों की शफात कर सके, इसलिए इसमें गुलामी फातिमा रखा गया।